हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा रहमान और आप देख रहे हैं एम सामार मलिक यूट्यूब वीडियो चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूं ओप्पो A9 2020 वर्सेस हवावे नोवा 5T की स्पेसिफिकेशन की कंपेयरिंग वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओप्पो की स्पेसिफिकेशन को नोट करेंगे। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो ओप्पो में 9.0 पाए है। वेट में इसका है 195 ग्राम है। सिम ड्यूल नैनो सिम है। कलर्स में इसकी बात करें तो मरीना ग्रीन, स्पेस पर्पल है। फ्रीक्वेंसी की बात करें 3G 4G अवेलेबल है, 5G सपोर्ट नहीं है। प्रोसेसर की बात करें अप्रूव्ड प्रोसेसर है 2.0 GHz का। चिप की बात करें एंड्रेनो 610 है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो 16 मल्टी कलर टच स्क्रीन है। साइज की बात करें 6.5 इंचेस डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन की बात करें 720p डिवाइडेड 1600 पिक्सल्स है, जो कि 1080p से कम है। मेमोरी की बात करें 128GB मेमोरी है और 8GB रैम है। कार्ड इसमें नहीं चलता। कैमरा की बात करें तो इसमें क्वाड कोर सिस्टम है। चार कैमरे हैं, जो कि मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो लेंस 8 मेगापिक्सल का है, फोकस लेंस 2 मेगापिक्सल का है, डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का है विद LED फ्लैश। फीचर्स की बात करें जियो टैगिंग, टच स्क्रीन, फेस डिटेक्टिंग, पैनोरामा, HD वीडियो, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड 1080p में भी वीडियो रिकॉर्डिंग। फ्रंट कैम की बात करें 16 मेगापिक्सल है, HDR है, 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई 802.11 ड्यूल बैंड वाईफाई डायरेक्ट हॉटस्पॉट है। ब्लूटूथ की बात करें तो अप टू डेट है V.5.0 विद A2DP। GPS की बात करें GPS इसमें अवेलेबल है, रेडियो इसमें अवेलेबल है। USB माइक्रो स्पीड 2.0 है, जो कि स्लो है। NFC इसमें अवेलेबल है। डेटा 3G 4G अवेलेबल है। 4G में 5.97 MBPS पर सेकेंड तक की स्पीड जाएगी। फीचर्स में से एक्सेलेरेटर मीटर, गायरो, कंपास, फिंगरप्रिंट, रियर माउंट स्क्रीन के अंदर इसका फिंगरप्रिंट अवेलेबल है। ऑडियो जैक की बात करें 3.5 mm ऑडियो जैक है। MP3 वेव और MP4 में H.265 प्लेयर इसमें अवेलेबल है। ब्राउजर की बात करें HTML5 है। मैसेजिंग, MMS, ईमेल, पुश मेल, IM मेल अवेलेबल है। गेम बुलेटिन है और डाउनलोडेबल भी है। टच टॉर्च इसमें अवेलेबल है। एक्स्ट्रा में है एक्टिव नॉइज कैंसलेशन विद डिटेक्टिव माइक। फोटो वीडियो एडिटर भी है, डॉक्यूमेंट व्यूवर भी है। और सबसे मेन बात बैटरी, बैटरी इसमें सबसे बड़ी है 5000 mAh की और प्राइस में है ये 48,000 तक का। ओके, सो अब हम आते हैं हवावे 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 नोवा 5T, जो कि अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। इसकी स्पेसिफिकेशन को नोट करेंगे। एंड्रॉइड 9.0 पाए है। वेट में 174 ग्राम, हम ओप्पो से बहुत कम वेट में। ड्यूल नैनो सिम, ब्यूटीफुल। कलर्स में इसकी बात करें ब्लैक क्रश ब्लू, मिड समर पर्पल। फ्रीक्वेंसी की बात करें 3G 4G अवेलेबल है, 5G सपोर्ट नहीं है। प्रोसेसर की बात करें ऑक्टो कोर प्रोसेसर है 2.6 GHz का, जो कि ओप्पो से अप है। चिप की बात करें तो इसमें हाई सिलिकॉन किरण का प्रोसेसर है 980 का। चिप की बात करें तो 766G है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो IPS टॉर्च स्क्रीन 16 मल्टी कलर है। साइज की बात करें तो 6.5 इंच नहीं है, जो कि ओप्पो से कम है। 6.2 इंच इसकी डिस्प्ले साइज है, ओप्पो से कम है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080p में इसकी रेजोल्यूशन है, 1080p डिवाइडेड 2340 पिक्सल्स। और प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास इसमें अवेलेबल है। मेमोरी की बात करें 128GB है, 8GB रैम है। कार्ड इसमें भी अवेलेबल नहीं है। कैमरा सिस्टम्स की बात करें तो इसमें भी क्वाड कैमरा सिस्टम है। 81 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड में है। और 16 मेगापिक्सल का इसका टेलीफोटो लेंस है, 2 mm का इसका आफ्टर फोकस है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फीचर्स में जियो टैगिंग, फोटो डिटेक्टिंग, HD पैनोरामा वीडियोस, 4K तक की वीडियो को रिकॉर्डिंग करेगा 630 फ्रेम्स पर 1080p में, वीडियो रिकॉर्ड करेगा 3060 फ्रेम पर। गायरो सेंसर इसमें अवेलेबल है। फ्रंट कैमरा, जो कि ओप्पो से बहुत ऊपर है, 32 मेगापिक्सल का वीडियो 1080p में रिकॉर्डिंग करेगा 60 फ्रेम पर सेकेंड पर। कनेक्टिविटी की बात करें वाईफाई 802.11 है। ड्यूल बैंड वाईफाई डायरेक्ट हॉटस्पॉट है। ब्लूटूथ में बात करें अप टू डेट है, सेम ओप्पो वाला V.5.0 विद A2DP।
जीपीएस इसमें अवेलेबल है और यूएसबी भी इसमें अवेलेबल है, टाइप सी यूएसबी केबल है, 2.0 है। एनएफसी इसमें अवेलेबल है। जे डेटा डेटा इसमें 3G 4G अवेलेबल है। 4G में 11.5 Mbps तक की स्पीड को डाउनलोड करेगा, जो कि ओप्पो से बहुत ज्यादा है। फीचर्स में बात करें, एक्सेलेरेटर मीटर मीटर है, सेंसर है, फ्रंट फिंगरप्रिंट इसमें अवेलेबल है, कंपास है, फिंगरप्रिंट साइड पे है, ऑडियो जैक सेम है, 3.5 mm का जैक है, MP4 इसमें अवेलेबल है, H.264 प्लेयर में, जो कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम है। ब्राउजर की बात करें, HTML5 है, मैसेजिंग ईमेल आईएमएल इसमें अवेलेबल है, गेम बोल्ट इन है और डाउनलोड एबल भी है। टॉर्च की बात करें तो इसमें अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्स्ट्रा फीचर्स में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, फोटो वीडियो एडिटर है, डॉक्यूमेंट व्यूवर है और बैटरी बैटरी में हवावे की बैटरी थोड़ी सी कम आई है, 3750 mAh की इसकी बैटरी है, नॉन रिमूवेबल है, फास्ट चार्जिंग इसमें अवेलेबल है, जो कि ओप्पो में नहीं है, 50% चार्ज इन 24 मिनट्स, और 22 वॉल्ट तक की बैटरी को चार्ज करने वाला इसका चार्जर सपोर्ट करेगा। प्राइस इसकी है 66,000, जो कि ओप्पो से बहुत ज्यादा है। प्रोसेसर फीचर्स की बात को थोड़ा सा सोच के देखा जाए तो ओप्पो अपनी जगह पे ठीक है और हवावे अपनी जगह पे ठीक है। सो ये वाली वीडियो में दोनों मोबाइल्स ड्रॉ होते हैं। बाय द वे, हवावे टॉप पे है, हवावे का कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त, हवावे सबसे बेस्ट पे है। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट ड्रॉप करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।